हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम कॉलम कास्टिंग करने से पहले किन किन चीज़ों को चेक करना चाहिए वो जानेंगे, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। तो दोस्तों, कौन सा भी कॉलम रहे, फुटिंग रहे, स्लैब रहे, बीम रहे, कौन सा भी चीज़ कास्टिंग करने से पहले उसका सपोर्ट चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कॉलम चेक करने के लिए तीन चार चीज़ें रहती है, वो हम अभी देखेंगे। पहले जो कॉलम का फेस रहता है वो फ्रंट फेस या बैक फेस, कौन से भी फेस पे प्लम बॉब डाल दो बाजू में, और जो साइड रहता है वहाँ पे भी एक प्लम बॉब डाल दो। अभी जैसे कि ये हाँ, ये जो रोप है उसको हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ चेक करेंगे कि मेजरमेंट कितना मिल रहा है। वैसे भी इंडिविजुअली ये दूसरा प्लम बॉब भी देखेंगे और साइड वाला भी प्लम बॉब देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट रोप में हमें अगर 100 mm मिल रहा है तो नीचे भी 100 mm में मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर सेकंड में 50 मिल रहा है तो नीचे भी 50 मिलना चाहिए। और थर्ड यहाँ पे अगर समझो फिर से हमें 100 मिल रहा है तो नीचे भी हमें 100 ही मिलना चाहिए। इन शॉर्ट, जो हमें ऊपर डायमेंशन मिलेंगे वही हमें नीचे भी मिलने चाहिए। उसके बाद ये तीन चीज़ें हो जाने के बाद, जो ड्राइंग शेड्यूल में हमें जो कॉलम का व्हाट टू से डेप्थ, उसके बाद नॉट डेप्थ, लेंथ और ब्रेड्थ जो भी दिया होगा वो हम चेक करेंगे। उसके बाद उसका डायगोनल भी हम चेक करेंगे। तो डायगोनल हमें परफेक्ट मैच होना चाहिए, तभी हमारे डायमेंशंस जाके मिल जाएंगे। इन सबसे पहले जो ड्राइंग शेड्यूल में है, हमें जो आरसीसी कंपोनेंट्स दिए होंगे, आरसीसी जैसे कि किसी में चिपिया दिया होगा, किसी में समोसा दिया होगा, जैसे कि ट्रायंगल, उसके बाद बॉक्स दिया होगा, वो हम सब ड्राइंग के हिसाब से चेक करेंगे। बाइंडिंग वायर बराबर बांधा है क्या नहीं, वो सब भी चेक करेंगे। और ये सब हो जाने के बाद फिर से आप एक बार सपोर्ट्स चेक कर लो, उसके बाद आप कंक्रीट कर सकते हो कॉलम का। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। थैंक यू।